चलिए अब नजर डाल लेते हैं तेज रफ्तार अंदाज में खबरों पर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई को तेज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हालांकि कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं और राज्य में महामारी को लेकर सभी तरह के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी सरकार इसे लेकर काफी सतर्क दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने 9 लोगों की नई टीम बनाई है। इसे लेकर उन्होंने बुधवार को पहली बैठक की। मीटिंग में योगी के अलावा उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, चिकित्सा मंत्री मयंकेश्वर सिंह के साथ चिकित्सा और ग्राम्य विकास के अधिकारी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर उसे फिर से जेल भेजे जाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इस मामले में जमानत दे दी थी। इससे असंतुष्ट होकर पीड़ित परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। मारे गए किसानों के परिवार ने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और वकील प्रशांत भूषण के जरिए आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी है। ये कहा है कि हाई कोर्ट ने जमानत देते समय अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद और मंदिर दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन समय के अभाव के चलते बहस पूरी नहीं हो पाई। लिहाजा कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख नियत की है। मंदिर पक्ष की तरफ से जवाबी हलफनामे भी कोर्ट में दाखिल किए गए और याचिका अधिवक्ता ने यहां पर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का कोर्ट से वक्त मांगा। कोर्ट ने समय देते हुए मंदिर परिसर के सर्वे कराने के वाराणसी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर लगी रोक को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। मंदिर पक्ष की तरफ से कहा गया है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई है वो मंदिर की जमीन है। मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को खंडित करके मस्जिद का निर्माण करवाया था और आज भी वहां पर मंदिर के अवशेष मौजूद है। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर आज हिंदुओं का कब्जा है। गोरखपुर के चौरी चौरा में 25 मार्च की शाम हुए उपद्रव और बवाल के मामले में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सपा के 3 नेता मनोरंजन यादव, नरसिंह यादव और डब्लू मियां को मुख्य आरोपी बनाए गए। पुलिस ने इन तीनों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आरोप है कि सोशल मीडिया पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत वहां पर भीड़ को इकट्ठा किया गया, ट्रेन रोकने के साथ चक्काजाम किया गया, जिसके बाद उपद्रव, बगजनी और पथराव तक हुआ। 25 मार्च को सेना के जवान धनंजय यादव को शहीद का सम्मान देने को लेकर चौरी चौरा के भोपा बाजार में पार्थिव शरीर पहुंचने पर बवाल हो गया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को अज्ञात कॉल से दी गई धमकी के बाद गुस्सा यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धामपुर थाने के गेट पर धरना दिया और राकेश टिकैत को धमकी देने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। किसानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक धरना प्रदर्शन करने की बात कही। अमरोहा के नगर कुतवाली क्षेत्र में तालाब की जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बुलडोजर की मदद से तालाब बनाकर जामनी को कब्जा मुक्त करवाया गया। जाफरगंज थाना क्षेत्र में किसान की सिर को चढ़कर निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि किसान खेतों में पानी लगाने गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मथुरा के गोवर्धन इलाके के पेरखू गांव में गो तस्कर करीब एक दर्जन गायों को शमशान भूमि पर डाल गए, जिनमें से कई गांव की मौत हो गई, गायों की मौत हो गई और प्रशासन को सूचना पर दी गई, लेकिन घंटों तक मौके पर कोई नहीं पहुंचा, जिसे लेकर ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला। सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवा को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से पुलिस ने चुराई गई 10 बाइक बरामद की है, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। दोनों आरोपी चुराई गई बाइक को आसपास के गांव में बेच देते थे। प्रतापगढ़ के नगर कुतवाली थाना क्षेत्र में सिलेंडर ब्लास्ट होने से गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं गांव वालों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। मथुरा में एसएसपी कार्यालय के मेन गेट पर अधिवक्ता पर हमला करने के लिए 4 युवक तमंचा लेकर पहुंचे, साथ ही कुलदीप नामक अधिवक्ता पर जानलेवा हमला कर दिया। घटनास्थल पर हुए हंगामे के बाद भी पुलिस देरी से पहुंची। ललितपुर के पाली क्षेत्र थाना के करमरा गांव में संदिग्ध परिस्थिति में खेत पर युवक का शव मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस यहां पर पहुंची और जांच की जा रही है।
मुंबई में हुई सनसनीखेज हत्याकांड मामले में यूपीएसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपीएसटीएफ और मुंबई की क्राइम ब्रांच ने शार्प शूटर राहुल शर्मा उर्फ राम और अभिषेक सिंह उर्फ अंकुर को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी के धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते 18 साल के युवक की हत्या कर शव को शौचालय के टैंक में फेंक देने का मामला देखने को मिला। घटना दो समुदायों के बीच होने की सूचना पर एडिशनल एसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और शौचालय के टैंक को खाली करवाकर शव को बरामद किया। कानपुर देहात की भोगनीपुर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की योजना बना रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से दो तमंचा, दो कारतूस और तीन मोबाइल बरामद किए। आगरा में रकाबगंज थाना क्षेत्र के आगरा पोर्ट रेलवे स्टेशन रोड पर कूड़े करकट झाड़ियों में भीषण आग लग गई। वहीं आग के विकराल रूप लेने के बाद भी कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। हरदोई के विकास भवन स्थित आरईएस विभाग में बाबुओं के द्वारा एक ठेकेदार से 1,00,000 रूपये गिरने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। आरईएस के वरिष्ठ लिपिक विनोद कुमार मिश्रा और संतोष राजवंशी 1,00,000 की नकदी गिन रहे हैं। फरुखाबाद सुजानगंज थाना क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक पीने से तीन बच्चों की हालत बिगड़ गई। पूरी रात बेहोशी की हालत में पड़े रहने के बाद परिजनों ने सुबह सीएचसी में भर्ती करवाया। एटा जनपद के अलीगंज तहसील क्षेत्र में अनेकों महिलाओं ने उपजिलाधिकारी से शिकायत की। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा और जिनको दिया भी जा रहा है तो उनको माप और तौल कर नहीं दिया जा रहा। बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगा नगर आवासीय योजना में प्राधिकरण की तरफ से अर्जित की गई भूमि पर अतिक्रमण करते हुए किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। साथ ही कब्जा की गई लगभग 6,570 वर्ग मीटर भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया जिसकी कीमत लगभग 17,50,00,000 है। बांदा के जसपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला द्वारा चार बच्चों समेत खुद के अपहरण की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साथ ही महिला समेत दो अन्य सहयोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी के औलियापर गांव में अज्ञात चोरों ने मेंथा ऑयल समेत लाखों रुपए के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। अलीगढ़ के जोरावर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक अचानक लापता हो गया। पिता और परिवार वालों ने अनहोनी की आशंका जताई है। साथ ही एसएसपी अलीगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को गोली मार दी गई। पीड़ित ने गांव के ही लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित के भाई ने प्रार्थना पत्र पर गांव के 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अमेठी में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की जिसे देखकर मौके से डॉक्टर और स्टाफ फरार हो गए। अलीगढ़ में ग्राम प्रधान की शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन को बुलडोजर की मदद से कब्जा मुक्त करवाया गया। गाजियाबाद शहर में बेहतर जल आपूर्ति सेवा देने के लिए जल निगम गंगा जल ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, लेकिन काम की गति धीमी होने के कारण जल निगम ने 2 कंपनियों पर 2,41,00,000 का जुर्माना लगा दिया। प्रताप विहार और मोहन नगर में गंगा जल ट्रीटमेंट प्लांट का काम जारी है जो कि मार्च में खत्म होना था, लेकिन दोनों कंपनियों ने काम समय से पूरा नहीं किया जिसके कारण जल निगम ने 2,41,00,000 का जुर्माना लगा दिया है। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र में 22 साल के युवक की ईंट और लाठी डंडे से कुचलकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या से इलाके में सनसनी है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी समेत फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर रही है। लखनऊ में नगर निगम की लापरवाही से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से 2 युवकों को सीवर लाइन से बाहर निकाला गया। ज्यादा देर तक सीवर लाइन में डूबने से दोनों युवकों की मौत हो गई। गाजियाबाद के लोनी में अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध निर्माण ढहा दिए हैं। लोनी में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। अवैध कॉलोनियों को बसाने वाले बिल्डर प्लांट बेचकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बुनियादी सुविधाओं का विकास भी नहीं करते, जिनके बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग जरूरी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। फतेहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने महिला को रौंद दिया। हाईवे पार करते समय हादसा हुआ, महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र में दबंग युवक ने घर में घुसकर महिला से मारपीट की जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं पुलिस से शिकायत के बाद भी आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी है। रायबरेली में सीवर लाइन की टेस्टिंग के दौरान जहरीली गैस से 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। शहर में अमृत योजना से सीवर का काम चल रहा था जिसकी टेस्टिंग करने के लिए सुपरवाइजर समेत 1 सफाई कर्मी सीवर में उतरे थे। इसी दौरान जहरीली गैस से दोनों सीवर के अंदर ही बेहोश हो गए।
जहरीली गैस से बेहोश होने के बाद मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी के साथ आला अधिकारियों ने तकरीबन डेढ़ घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद दोनों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में खेत पर काम कर रहे मजदूर पर एसपी लाइन का तार गिर गया, जिससे कि किसान की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। औरिया के केशमपुर गांव में स्थित गमा देवी के मंदिर से प्रसाद चढ़ाकर आ रहे दंपत्ति की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी गई और दंपत्ति से मारपीट करके ये लोग भाग गए। पीड़ित दंपत्ति ने फफूंद थाने में घटना की तहरीर दी है। अलीगढ़ के कुतवाली थाना क्षेत्र के भोजपुरा इलाके में शादी समारोह में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। लॉज के बाहर गाड़ी खड़ी होने पर बड़ा विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 किलो 270 ग्राम अवैध चौरस बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 31 लाख बताई जा रही है। साथ ही थाना गौरीपंटा पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई जारी है। आगरा के फतेहाबाद तहसील क्षेत्र के लोहारी वन ब्लॉक के जंगल में अचानक से आग लग गई, जिसके चलते करीब एक हेक्टेयर का जंगल जलकर राख हो गया, जिसमें घास फूस के साथ साथ अन्य वन संपदा भी जल गई। वहीं ग्रामीणों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। कार्मिक, गृह, कारागार, आबकारी, श्रम, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक उड्डयन समेत 23 विभाग सीएम पुष्कर ने अपने पास रखे हैं। पिछले कार्यकाल में उनके पास 12 मंत्रालय थे, इस बार कुल सीएम ने 23 विभाग अपने पास रखे हैं। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के मंत्रालय भी यहां पर वैसे ही हैं। सतपाल महाराज को लोनीवी, सिंचाई, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम प्रबंधन को बरकरार रखते हुए पंचायती राज और ग्रामीण निर्माण जैसे नए मंत्रालय भी दिए गए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कद बढ़ा है, उन्हें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया। साथ ही धन सिंह रावत चिकित्सा विभाग भी देखेंगे। धामी कैबिनेट में शामिल किए गए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त मंत्रालय दिया गया। इसके अलावा मंत्री सुबोध दुनियाल को कुछ हल्का किया गया है, उनके पास अब कृषि एवं उद्यान मंत्रालय नहीं होंगे। उन्हें इस बार वन, भाषा, निर्वाचन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय दिए गए, जबकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सैनिक कल्याण व ग्राम्य विकास के साथ कृषि एवं उद्योग विभाग देखेंगे। मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल हुए कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को समाज कल्याण, परिवहन एवं लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्रालय दिए गए। देहरादून में सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे नजर आए, साथ ही कथित तौर पर हरिद्वार ग्रामीण के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया। केदार घाटी के नगर पंचायत में बटेश्वर रोड में एक अनोखा त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है। ग्रामीण सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। प्राकृतिक जल स्रोत में जौ की हरियाली को विसर्जित किया जाता है। काबिट पार्क के जंगलों और वन्य जीवों की हिफाजत के लिए गश्त करने वाले हाथियों का डॉक्टरी चेकअप हो रहा है। आपको बता दें कि जिन काबिट नेशनल पार्क में 15 से 16 पालतू हाथी हैं, उनके साथ ही 4 हाथी वन प्रभाग रामनगर के पास हैं। इस प्रकार काबिट के साथ ही वन विभाग रामनगर के पास कुल 20 पालतू हाथी हैं। इन हाथियों से वन कर्मी लगातार काबिट से जंगल और वन्य जीवों की निगरानी करते हैं। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में प्रशासन का बुलडोजर चला, जिला पंचायत ने पूरी बस्ती के घरों को जमींदोज कर दिया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि हार से बौखलाए स्वामी के इशारे पर कांग्रेस समर्थकों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। उत्तरकाशी में लाइफलाइन कहे जाने वाले जोशियाड़ा और मुख्य शहर जोशियाड़ा को जोड़ने वाले पुल पर अवैध रूप से हो रही डंपिंग से पुल को खतरा पैदा हो गया है। 2013 की बाढ़ के बाद बने इस पुल के दोनों तरफ लोग मकानों का मलबा डाल रहे हैं, जिससे इसकी सपोर्टिंग वायर गलने के कगार पर है। हल्द्वानी के काठ गोदाम के बदयूनी गांव में बाघ का आतंक बढ़ रहा है। घास काटने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे कि महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरदोई के पीताम्बरगंज क्षेत्र में इसरो के दिल्ली कार्यालय में सहायक वैज्ञानिक के घर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने महिला से चाकू के नोक पर घर की चाबियां छीन ली और 1 लाख रुपए नकद और करीब 25 लाख के जेवर लूट कर फरार हो गए। वही घटना का विरोध करने पर बदमाशों ने सहायक वैज्ञानिक की गर्भवती पत्नी के पेट में लात मार दी और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुख्तार अंसारी ने लखनऊ कोर्ट में वापस जेल आने के बाद डीजी के साथ डीएमएसपी ने जेल का निरीक्षण किया। जेल की सभी बैरकों की तलाशी ली गई। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जायजा लिया गया।
ताज महोत्सव की श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रमों के तहत महोत्सव के आखिरी दिन शाम बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विपराग के सुरों पर सजी। इस दौरान प्रयाग के नगमों का जादू लोगों पर इस कदर चढ़ा कि आगरा वासी देर रात तक झूमते नजर आए। विपराग की आवाज का जादू कुछ इस तरह से मंच पर छाया रहा कि भीड़ को संभालने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए, लेकिन विपराग की आवाज का जादू कम नहीं हुआ। लगातार यहां पर विपराग जिस तरह से गाने निकाल रहे हैं, स्टेज शो हो रहे हैं, वो लोगों के दिलों पर जगह बनाते जा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री निमरत कौर और यामी गौतम ने ताजमहल का दीदार किया। आपको बता दें कि फिल्म 10वीं की स्क्रीनिंग के लिए दोनों अभिनेत्री आगरा पहुंची थी। अलीगढ़ के अकबराबाद थाना क्षेत्र में युवक की घर पर बिजली ठीक करते समय करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, जांच जारी है। महोबा में कमिश्नर के काफिले में जा रहे सरकारी वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र में छप्पर में आग लगने से घर का सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में कूड़े के ढेर में युवक का जला हुआ शव मिला, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सहारनपुर में दोस्तों के साथ घर से निकले छात्र का शव हरिद्वार के रेलवे लाइन पर मिला। परिजनों का आरोप है कि दोनों साथी छात्रों ने ही हत्या कर शव को ट्रैक पर फेंका है। लखनऊ के मरियाबाद थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, आग की चपेट में आकर मासूम की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। हाथरस के रतनगढ़ी क्षेत्र में राशन डीलर की दबंगई देखने को मिली, जहां पर अंगूठा लगवाने के बाद पर्ची दी जाती है और दूसरे दिन राशन देने के लिए कहा जाता है, और दूसरे दिन ग्रामीण अपना राशन लेने पहुंचते हैं तो उन्हें राशन नहीं मिलता। साथ ही लोगों का आरोप है कि जब कभी राशन मिलता है तो 5 किलो की जगह 4 या 3 किलो दिया जाता है। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में 30 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, सूचना पर पुलिस पहुंची जांच जारी है। महोबा में पुलिस लाइन रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम सदर के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद ने बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाकर गुमटियों को नष्ट किया गया। एटा के विकासखंड क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में मासूम छात्रों से झाड़ू लगाकर कचरा साफ करवाया जाता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्रों ने जानकारी दी है कि अध्यापिका के कहने पर मासूम छात्रों को यह जिम्मेदारी दी गई है। नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले शातिर अपराधी पुलिस के मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से चोरी की हुई लैपटॉप, चेकबुक और एक तमंचा बरामद किया है। ललितपुर में बस स्टैंड पर खड़ी बस में अचानक आग लग गई। आग में यहां पर हालांकि कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन यात्री नहीं होने से यह बड़ी घटना टली है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गाजियाबाद में लोगों का कहना है कि पेट्रोल के बढ़ते दामों की वजह से काफी परेशानी हो रही है। लोगों का यह भी आरोप है कि चुनाव होने से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखने के लिए मिली थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ललितपुर में यहां पर युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।